नहीं? चलिए सर सो श्रद्धा मैडम ने नहीं सर, आपने भेजा था, वो तो मैं पहले भेज दिया आपने था भेजा बट था कि 15 अक्टूबर तक। हाँ बट हाँ अभी फिर सर शायद कल श्रद्धा मैडम नहीं, कल मैंने भेजा है, मैंने ओके भेजा है। होगा वो, तुम श्रद्धा मैडम के दूत हो तो वो माता सीता हैं तो तुम हनुमान हो, समझे कि नहीं। चलिए तो बट भाई मैं तो देखो मैं हूँ आदत से मजबूर, अगर तो मैं क्या करूँ, अब मैं फिर भी मदद कर लेता हूँ, तुम लोग मेरा जितना भी इंसल्ट करते हो उसके बाद भी मैं तो मदद कर ही लेता हूँ क्योंकि मैं आदत से मजबूर, है कि नहीं। चलिए इसलिए अदरवाइज मैं तो कितना क्वेश्चन वेश्चन दे रहा था तुम लोग को बट तुम ही लोगों ने मना कर दिया कि नहीं नहीं आपका हमें कुछ नहीं चाहिए, सो लाइक दैट। चलिए तो अब इसीलिए अब कीमोजेनी को अब हम लोग थोड़ा इक्वेशन डिस्कस करेंगे, कीमोजेनी इक्वेशंस। तो उसमें नंबर वन क्या हुआ, तो सबसे पहले हुआ क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ओके से क्या बन गया एटम्स, उसके बाद ओके एटम्स जुड़ के क्या बनाए, मॉलिक्यूल्स। एटम्स जुड़ के बनाए मॉलिक्यूल्स। और तुम लोग का तो बढ़िया कर भी रहे हो कालू टेस्ट में, तो इसलिए मैं भी आई एम ऑल्सो हैप्पी। तो ये है आपका होमो एटॉमिक, और कोई भी हो सकता है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल क्या है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, एंड हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का नाम क्या है आपका, वाटर मीथेन अमोनिया, है कि नहीं। उसके बाद जो मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म व्हाट, तो मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म आपका क्या, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंबाइन टू फॉर्म सिंपल ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कंपाउंड्स, ओके। उसके बाद जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये जुड़ के क्या बनाए, कॉम्प्लेक्स ओके ऑर्गेनिक यस कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स, ओके कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स लाइक क्या, तो कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स लाइक व्हाट, आपका जो पॉलीसैकराइड्स या प्रोटीन्स या न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। तो इस तरह से आपके किमोजेनी हुआ, फाइन। सो एंड वी हैव दी कंसेप्ट, तो ये थ्योरी है कि ये हमारा किमोजेनी इस तरह से बना। तो आप ये सारा कुछ कहाँ था, तो हर कुछ आपका इन द ओशंस था, तो इसीलिए जे जे सेल्डन ने उसको क्या बोला, हॉट डाइल्यूट सूप, समझे कि नहीं। सो द हॉट डाइल्यूट सूप, तो द सिंथेसिस ऑफ ऑल दिस कंपाउंड्स प्रोबेबली अकर्ड इन द सी विच हैड बीन डिस्क्राइब बाई हेल्डेन एज हॉट डाइल्यूट सूप कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन अबंडेंस। तो जो भी कुछ हुआ वो सब बह बहा के समुद्र में आ गया, आइदर तो ये समुद्र में बना या ये समुद्र में आ गया, ठीक है। अब तो एवरीथिंग एग्जिस्टेड इन द ओशंस, तो अब जब सारे चीज ओशंस में हैं तो वो आपस में कंबाइन करने का बिगिनिंग हुआ, ओके। सो सिंस एवरीथिंग वाज इन द वाटर, तो सच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कुड नॉट एक्यूमुलेट
टुडे, क्यों? बिकॉज ऑफ इनॉर्मस माइक्रोब्स एंड ऑक्सीजन. तो समझ रहे हो, तो ये जो सिचुएशन था हमारा, तो ये आज के डेट में मुमकिन नहीं था. क्यों? क्योंकि एक तो हमारा आज का डेट एटमॉस्फेरिक है, ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीडाइज कर देगा. एंड नंबर टू, कि जो माइक्रोब्स हैं वो उसको खा पी के बराबर कर देंगे. बट पहले क्या था? पहले कोई था नहीं, तो इसलिए जो भी हमने बनाया वो परसिस्ट करता था. अंडरस्टूड? तो व्हाट एवर वी मेड परसिस्टेड. ठीक है. नाउ सच मॉलिक्यूल्स कुड परसिस्ट ओके फॉर काउंटलेस इयर्स एंड एक्यूमुलेटेड. तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक रूल्स सच मॉलिक्यूल्स कैन नॉट एक्यूमुलेट इन सॉल्यूशन इन लार्ज नंबर्स बिकॉज दे वुड ब्रेक अप एज फास्ट एज दे आर बिल्ट अप. तो इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेटेड इन लेयर्स ऑन मड और क्ले. ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है. तो अगर आप रेवन जॉनसन देखोगे तो ये लिखा होता है. तो इसका मतलब क्या है? अगर हम कंपाउंड्स बना के रख दें तो उसका नेचुरल डिग्रेडेशन प्रोसेस भी होता है, भले ही कोई चीज ना हो, बट वो अपने आप डिग्रेड करता रहेगा. इसीलिए हाउ इट एग्जिस्टेड, ये लेयर्स के रूप में क्ले में, मिट्टी में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है. सो दिस इज द कंसेप्ट. नाउ अब आपका जो फर्स्ट मॉडल्स बनेगा, तो सबसे पहले मॉडल्स में हम लोग आ जाएंगे क्या? वी विल डिस्कस कोसर्वेट्स. ठीक है. तो कोसर्वाट, तो कोसर्वाट किसने प्रपोज किया था? दैट वाज प्रपोज बाय ओपरिन. ठीक है. तो अब हम लोग तो अभी हमारा सब बन गया. भाई देखो, हर चीज अगर है तो वाई विल दे नॉट मिक्स विथ ईच अदर. ओके. तो इसीलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटोसेल मॉडल. ना जनरली आप जानते हो कि एविडेंस चाहिए, पर प्रॉब्लम क्या है? एविडेंस देगा कौन? उस समय कुछ भी रिटन हिस्ट्री नहीं था. सेकेंडली जो हार्ड स्ट्रक्चर कुछ नहीं था. तो अगर हार्ड स्ट्रक्चर कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? यू विल नेवर फॉर्म फॉसिल्स. तो इसीलिए वी डोंट हैव एनी एविडेंस ऑफ सेल. अभी है हमारे पास, बट जनरली आपको सेल का कुछ एविडेंस नहीं मिलेगा. बट और अब इसलिए हम लोग उसको मॉडल बोलते हैं. तो हमने जब इधर बनाया तो ऐसा कुछ बन गया. तो ओपरिन हेल्ड दैट लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंथेसाइज एबायोटिकली ऑन प्रिमिटिव अर्थ. ओके. ऑन प्रिमिटिव अर्थ फॉर्म लार्ज कोलाइडल एग्रीगेट्स ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन. These colloidal particles were called coservates. Okay? Now, according to him, he made such structures combining present day, आज के दिन का. तो उन्होंने क्या किया? आज के दिन का कंपाउंड्स लिया, प्रेजेंट डे पॉलीसैकेराइड्स, उन्होंने गेहूं लिया एंड प्रोटीन्स एंड सोयाबीन पाउडर. सोयाबीन नहीं, जो सोयाबीन बड़ी, तो उसका गुंडा कर दिया एंड आटा, इन दोनों को मिक्स करके पानी में फेंक दिया. तो क्या हो जाएगा? गेटा गेटा बन गया. तो दोस गेटास आर कॉल्ड कोसर्वेट्स. समझ रहे हो? तो इसीलिए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस तरह से गेटा, कोसर्वेट्स का गेटा बनाया. ओके. नाउ अब व्हाट ही सॉ दैट, माने
उन्होंने क्या देखा कि ये जो कोसर भट्ट हैं, ओके, तो बुक्स में इनको कोसर भट्ट लिखा होता है, राइट। सो हम नेक्स्ट पेज में ले जाएंगे। सो व्हेन सॉल्यूशंस ऑफ अपोजिटली चार्ज कोलॉइड्स लाइक गम अरेबिका एंड जेलेटिन आर मिक्स्ड, ओके, कोसरवे ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म। These have higher concentration, okay? These have much higher concentration of organic polymers than in aqueous phase. These droplets represent open systems that kept accumulating material from the environment. Okay? If an enzyme along with monomer substrate is added, तो पॉलीमर्स आर फॉर्म। तो ये सब उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो इसका मतलब क्या है, ओके, इसका मतलब है कोसर्वेट्स जो है मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। दिस प्रूव दैट कोसर्वेट्स कुड शो मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है। तो उनको इससे एविडेंस मिला कि कोसर्वेट जो है वो मेटाबॉलिक पाथवेज दिखा सकता था। नाउ अगर कोसर्वेट्स में हम लिपिड मेम्ब्रेन एंड डीएनए ले लेंगे तो क्या होगा, तो शायद ये फर्स्ट सेल बन जाए, समझ लो कि नहीं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। So these coserates are large enough to be seen under the microscope and remind us of bacteria or other simple unicellular organisms. In coserates, lipid molecules are joined end to end, forming a layer around each aggregate. This represents a simple lipid membrane. Okay, so presumably coserates represented the protocell model. So shayad yaisa hi protocell hua hoga, aisa un logo ne guess kiya. So these could selectively absorb proteins and other materials from the surrounding and grow in size and complexity. These could even divide by budding to budding similar to bacteria. However, these present poor models for protocells. क्यों बोलिए, क्यों आपको लगता है कि ये poor models हैं protocell के, guess करिए। सर क्योंकि ये divide नहीं करते, कर रहा है ना, they could even divide by budding or binary fission, समझे कि नहीं। सर लेकिन सर उसमें क्या डीएनए जाता था क्या डॉक्टर से, मतलब वो जो डिवाइड करने के बाद रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए क्या। सुनो मैं तो तब था नहीं यार, तो मैं बताऊंगा कैसे बताऊं। तो अब आपको क्या लग रहा है कि ये सही मॉडल है ना, नहीं है, हो सकता है, बताइए, गेस करिए। मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं ये किन चीजों से बने थे, उस जमाने की चीजों से ना, इस जमाने की चीजों से, उस जमाने से, उस जमाने क्या, अरे किस जमाने की चीजों से, ये जो हमने बनाया ये इस जमाने की चीजों से बनाया। तो then how are you so sure कि उस जमाने में भी ये होगा, समझ में आया। तो इसीलिए माने अगर एक रेस है, ये सब क्वेश्चंस आता है बाबा, तुम लोग क्या ना एक्चुअली व्हाट गौतिक कृष्ण तुम लोग को सिखा दिया है कि हमारे नीट तो इजी आ रहा है, क्यों हम लोग इतना मेहनत करें, ओके,
अब उसको देखो उसका बयान मार्क बता ही नहीं रही है कितना आया। तो अब जो लोग इजी के चक्कर में रहते हैं ना वो बाद में रोते हैं। अगर वो जेजेस को प्यार करती तो उसका ऐसा हाल नहीं होता है। तो समझ रहे हो कि नहीं? तो यही चीज आपको समझना है, जो पहले खुश होते हैं वो बाद में दुखी होते हैं, है कि नहीं? शी इज वरीड। क्यों वरीड है? क्योंकि वो जेजेस कल्चर में विश्वास नहीं की, तो वो अपने आप में सोचती थी। तो लाइक दैट। सो इसीलिए द कोसर्वेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ कंटेम्पररी बायोप्रोटीन्स, नॉट द एंशियंट वंस। समझ रहे हो? पॉइंट नंबर टू, दे आर अनस्टेबल एंड डिसइंटीग्रेट विद टाइम। एक्चुअली आप समझ नहीं रहे हो कि ये किसको हम लोग कहते हैं। तुम लोग कभी बेसन गोलाए हो? बेसन या आटा चकड़े हो? यस सर। हाँ सर। जब आटे में आप पानी डालते हो तो गेटा नहीं बनता है? तो बनता है सर। तो अगर उसको ज्यादा देर तक छोड़ दो तो क्या होगा? वो गेटा गेटा रहता है ना, फिर सॉफ्ट होके मिक्स हो जाता है। गेटा रहता है। सोचो सोचो सोचो, आज करो प्रैक्टिकल। सर गेटा क्या होता है? गेटा माने लंप्स। अच्छा। तो जब आप आटा गूंथते हो तो आप देखोगे कि जैसे ही आप आटे में पानी डालोगे तो बहुत सारे लंप्स बन जाएंगे। तो क्या वो लंप्स लंप्स ही रहते हैं ना, वो सॉफ्ट होके फिर ठीक हो जाते हैं? जो बाद में ठीक हो जाते हैं। ठीक हो जाते हैं। समझ में आया आयुष्मान सेनापति? इसलिए आटा चकड़ो। yes, तो कभी कभी प्रैक्टिकल करने से मजो आवे है। ओके, बकवास नहीं करो हो। समझाया? तो yes, तो समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए कोसर्वेट जो है, अगर उसको चुपचाप छोड़ दोगे वो फिर डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। ओके, सो दैट इज व्हाई हम लोगों ने क्या कहा, दीज आर पुअर मॉडल्स फॉर प्रोटोसेल्स। आया समझ? चलिए अब जो एक और प्रोटोसेल बना था उसके बारे में डिस्कस किया जाए। तो उनको हम लोग नंबर टू बोलेंगे, माइक्रोस्फीयर्स। ओके, माइक्रोस्फीयर्स। तुम लोग तो कॉपी भी नहीं बना रहे हो मेरे ख्याल से, क्योंकि जो लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं उसका दो मतलब हो सकता है, कि आइदर तो वो अभी कॉपी बना ले रहे हैं वो अच्छी बात है, या फिर वो मुड़ू कॉपी बना ही नहीं रहे हैं। तो समझ रहे हो? बिकॉज अगर कॉपी बनाने के लिए तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा कि नहीं? तो ये आपका, इसीलिए आपका मार्क्स भी नहीं आ रहा है। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं सर, लिख देते हैं बाद में, आप बोल लेते हैं थोड़ा समझने के लिए। ओके, जैसे भी हो अगर वो कर रहे हो तो अच्छी बात है, और अगर वो भी नहीं कर रहे हो, कॉपी नहीं बना रहे हो, तो आपका मर्जी है। समझ गए? बिकॉज मैंने क्यों बनाया था ये जो वीडियो, इसी हमारा ऑब्जेक्टिव वीडियो मेकिंग क्या था, ताकि आप बाद में देख सकें, बट वो आप ही भूल गए। बट योर जूनियर्स आर सीइंग वेरी बैडली। आपके कुछ जूनियर्स हैं, 11 प्राइम 40 का एक लड़का है गिरिजा, वो अभी ऑलमोस्ट वो हर वीडियो देख चुका है, इवन मेरा होमवर्क वाला वीडियोस भी देख लेता है वो। तो देखो वो बिना पैसा दिए जेजेस का होमवर्क का एडवांटेज ले रहा है, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? बट आप लोग नहीं लोगे, क्योंकि आप लोग तो कालू भक्त हो ना, इसलिए। चलिए, तो इसलिए माइक्रोस्फीयर्स आर मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स ऑफ प्रोटीनॉइड्स। एक्चुअली प्रोटीनॉइड्स क्या है? ओके, 20 अमीनो एसिड्स, 20 टाइप्स जो है कि नहीं, 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स वर हीटेड टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सडनली कूल
to form aggregates known as thermal proteinoids. समझ रहे हो? तो ये जो प्रोटीनॉइड्स है तो वो अल्टीमेटली माइक्रोस्फीयर बनाते हैं, ठीक है. दीज एग्जिबिट जनरल रिजेंबल टू स्फेरिकल कोकोइड बैक्टीरिया. समझ रहे हो? एंड दे हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. तो कौन कौन सा माइक्रोस्फोर इजिली फॉर्म्ड व्हेन वाटर इज एडेड टू थर्मल प्रोटीनॉइड्स. जब आप उन गर्म में पानी डाल दोगे तो बन जाएगा. दीज एग्जिबिट ग्रेट यूनिफॉर्मिटी इन साइज एंड शेप. ओके, तो जैसे भी प्रोटीनॉइड्स बनाओगे उनका शेप साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है. रिजेंबल करते हैं कोकोइड बैक्टीरिया. ओके, कंसिडरेबली स्टेबल होते हैं. इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स रिवील डबल लेयर्ड बाउंड्री corresponding to cell membrane. Both gram positive and gram negative microspheres have been produced. Abhi, can you tell me gram positive ya gram negative kaun sa bacteria jo hai wo protected from antibiotics hai? They are generally not affected by antibiotics. Batao. आप तो पढ़ लिए हो. ग्राम नेगेटिव. ग्राम नेगेटिव. क्यों ऐसा होता है बताइए. माने किसका किसका सेल वॉल थिक होता है, नेगेटिव ना पॉजिटिव का? पॉजिटिव का. ग्राम पॉजिटिव का. पॉजिटिव का थिक जो सेल वॉल बहुत थिक होता है कि नहीं? यस सर. वेरी गुड. यही पढ़ो सब, ऐसे ही पढ़ो, मजा आएगा. चलिए. सो माइक्रोस्फीयर्स एग्जिबिट नॉन, मेरा कम से कम 3 या 4 वीडियोस ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव पे ही है. समझ रहे हो? चलिए. तो इसलिए माइक्रोस्फीयर्स एग्जिबिट नॉन रैंडम मोटिलिटी एंड दिस इज एनहांस्ड बाय द एडिशन ऑफ एटीपी. सो समझ रहे हो? इसमें वैसे ही हल्का फुल्का जैसे आपका वो जो क्या ब्राउनियन मूवमेंट जैसे मूवमेंट होता है, और जैसे ही एटीपी बढ़ाओ तो उनका मूवमेंट बढ़ जाता है. दिस कैन बी सीन आइदर अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग ईच अदर. समटाइम्स दिस जॉइन टुगेदर आल्सो. ओके, इंफॉर्मेशन कुड कम्युनिकेट विद इन एन एग्रीगेट ऑफ माइक्रोस्फीयर्स. ऑन बीइंग ट्रांसफर्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस दे स्वेल अप एंड श्रिंक इन हाइपरटोनिक. Okay, these behavior stimulates osmosis without any lipids. They retain enzyme-like activities. They tend to divide by binary fission or by budding. So, देख रहे हो? तो ये सारा जो features है, ये सारा features हमारा क्या है? This is given by क्या? So, this feature. Sydney Fox. These features are actually proposed for microspheres. And who gave the concept? So, they were made by Sydney W. Fox. Okay, so ye concept kisne diya tha microsphere ka? सिडनी डब्लू फॉक्स. समझ में आया? तो नाउ अगर हम इन दोनों में से कंपेयर करें, माइक्रोस्फीयर एंड कोसर्वेट्स, तो हु विल बी ए बेटर मटेरियल फॉर द माने प्रोटोसेल, बताइए. तो कौन अच्छा मॉडल हो सकता है, माइक्रोस्फीयर ना कोसर्वाट? बोलिए सर. माइक्रोस्फीयर. सो ऑन द बेसिस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट माइक्रोस्फीयर लाइक एग्रीगेट्स वुड हैव बीन द
फोर रनर्स है कि नहीं ऑफ द फर्स्ट सेल कुड हैव बीन द एग्रीगेट फोर रनर्स ऑफ द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म या फर्स्ट सेल ठीक है. These provide excellent models of protocell because क्यों भाई. Number one, they originated from proteinoids produced under conditions which are prevalent. भाई ये जो proteinoid हमने बनाया वो कैसे बनाया, जैसे पहले हुआ करता था, 180 डिग्री टेम्परेचर एंड एमिनो एसिड्स, है कि नहीं. तो इसीलिए पोसरवेट हमने बनाया आज के कंपाउंड को लेकर, बट माइक्रोस्फीयर हमने बनाया कैसे, उस दिन के सिचुएशन को लेकर. तो दैट इज व्हाई दे आर बिलीव टू बी द फोररनर्स ऑफ द फर्स्ट सेल. समझ में आया. सो दिस इज द कंसेप्ट. ठीक है, ठीक है. सो ये हमारा कंसेप्ट है अबाउट द क्या, कीमोजेन. तो ये हमने कीमोजेन ही डिस्कस किया. तो अब हमारा प्रोटोसेल मॉडल का मतलब क्या है, प्रोटोबायोम. ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा इसका एविडेंस डिस्कस करेंगे. तो समझ रहे हो. तो इसलिए व्हाट आर द एविडेंसेस. तो एविडेंसेस हमारा क्या है, क्या उसमें एक और चीज है एक्चुअली. तो जो एविडेंसेस है हमारे, फाइन, दैट वाज प्रपोज्ड, दिस इज द एविडेंस ऑफ कीमोजेनी. ओके, तो एविडेंस ऑफ कीमोजेनी वाज प्रपोज्ड बाय हुम, वाज प्रपोज्ड बाय मिलर एंड यूरे. ओके, तो इसीलिए हम लोग इसको लिखेंगे यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट. ओके, तो ये आपका मिलर एंड यूरेज एक्सपेरिमेंट है ना. मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करेंगे बताइए. तो कौन कौन से गैसेस हम लोग, तो एक्चुअली उन्होंने वही किया जो उस जमाने में होता था. तो वॉट एवर एग्जिस्टेड इन दैट डे दे जस्ट फॉलोड द सेम. ठीक है जी. So, उन्होंने जो हाइपोथेसिस को प्रूव किया. ओके, सो यूरे एंड मिलर्स एक्सपेरिमेंट. तो लिखिए इन दिस एक्सपेरिमेंट. ओके, इन दिस एक्सपेरिमेंट, इसको हम कलर चेंज करते हैं. In this experiment, they stimulated, simulated the conditions thought at time to be present on the early Earth and tested the chemical origin of life under those conditions. Okay, the experiment at the time supported Oparin and Haldane's hypothesis that putative conditions on the primitive earth, that prevalent, उसको putative का मतलब क्या है, prevalent conditions on the primitive earth favored chemical reactions that synthesize more complex forms. Considered to be the classic experiment investing abiogenesis, it was performed in 1952 by Miller, supervised by Urey at Chicago University and published the following year. ठीक है, ये अगले साल उसको publish किया गया. तो उनके instrument को हम लोग क्या कहते थे, electric spark discharge tube. Fine, जो experimental जो उन्होंने जो एक कांच का setup बनाया, so उसको उन्होंने क्या कहा था, बोलो, दैट ही कॉल्ड इलेक्ट्रिक स्पार्क डिस्चार्ज. ठीक है जी. नेक्स्ट पॉइंट, मिलर, एक्चुअली ये काम किया था मिलर ने,
ठीक है। तो स्टैनले मिलर रिपोर्टेड दैट व्हेन द गैसेस, कौन कौन सा बोलिए, मीथेन, अमोनिया, अमोनिया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर, सुपर हीटेड स्टीम। ये सुपर हीटेड स्टीम को हम लोग क्या लिखते हैं, H2O गैस, है कि नहीं, वर हीटेड, ओके, वर हीटेड एंड चार्ज्ड विथ 65,000 to 75,000 volts of electric spark generated by tungsten, tungsten electrode, okay, उन्होंने tungsten electrode लिया, okay, were heated and charged with this, by tungsten electrodes, okay, तो इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोड्स फॉर नियरली 15 डेज, ओके, इलेक्ट्रोड्स फॉर नियर सॉरी तो नियरली 15 डेज, ओके, क्या हुआ, तो ही रिपोर्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ थ्री एमिनो एसिड्स, कौन कौन सा, ग्लाइसिन, एलानिन एंड एस्पार्टिक, ओके, एस्पार्टिक एसिड, तो इसको हम लोग गैड बोलेंगे शॉर्टकट, ओके, जी ए डी, ये शॉर्टकट याद रखना, ये सब आपका उसका सिंगल लेटर कोड है। नाउ इन हिज होल लाइफ ही ऑब्टेन्ड नियरली, ये तो पहले बार जब उन्होंने पहली पहली बार एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने जी ए डी उनमें से ढूंढ निकाला, पर जिंदगी भर इन हिज होल लाइफ ही ऑब्टेन नियरली 11 एमिनो एसिड्स, ओके, नियरली 11 एमिनो एसिड्स फ्रॉम द पूल, ओके, फ्रॉम दैट पूल, बट ओके, बट देखो कितने वो ग्रेट इंसान थे, बट After death, scientists examining sealed vials reserved from the original experiments were able to show that there were actually more than 20 different amino acids. देख रहे हो कितने बड़े इंसान, माने उनको actually माने वो तो और भी बढ़िया evidence था, but उन्होंने बोला कि नहीं सिर्फ तीन ही मिला, क्यों बोलो मालूम है ना, क्योंकि उस समय एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स उतना अच्छा नहीं था, सो एंड ही डिड नॉट नो हाउ टू लोकेट द डिफरेंट एमिनो एसिड्स, तो इसलिए वो पहले तो तीन बोले, फिर ऐसे करते 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 पूरा मरते दम तक उन्होंने 11 एमिनो एसिड्स को ढूंढ के निकाला, बट उसी वही सेम जो उनका फ्लूइड था, ऐसा नहीं कि भाई ऐसे दोबारा बनाया, सेम उन्होंने उसके फ्लूइड को प्रिजर्व कर लिया था, तो वो प्रिजर्व्ड वायल्स में से मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने 20 से ज्यादा एमिनो एसिड्स ढूंढ के निकाला, सो दिस इज कंसिडरेबली मोर देन व्हाट मिलर ओरिजिनल रिपोर्टेड एंड मोर देन द 20 दैट नेचुरली अकर इन द जेनेटिक कोड, समझ रहे हो, तो जो जेनेटिक कोड में है 20 उससे भी ज्यादा उन्होंने निकाला, कैसे निकाला, हम तो जानते हैं कि नियरली 300 एमिनो एसिड होते हैं, तो बाकी सब मॉडिफाइड होते हैं, तो ये जो एमिनो एसिड्स थे वो भी मॉडिफाइड हो गए थे, कोई शक,
तो इसीलिए हम लोग इसमें लिखेंगे सपोर्टेड दिस हाइपोथेसिस. ओके दे सिमुलेटेड कंडीशंस दैट टू बी प्रेजेंट ऑन अर्लियर है कि नहीं एंड मिलर एंड यूरे इन शिकागो. ओके एंड सो ऑन. गैसेस कौन सा लिया था? मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन एंड सुपर हीटेड स्टीम. ठीक है, उनके इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रिक स्पार्क डिस्चार्ज ट्यूब भी बोला जाता है. क्लियर? सो दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ दैट मैन हु इज कॉल्ड मिलर. तो मैं आपको उनका जो फोटो दिखा सकता हूँ, बट आई डोंट थिंक उतना देर रहेगा. ओके बट कट जाने का टाइम हो गया हमारा, तो ये आप लोग देख लेना बिकॉज ये कालू बुक में भी होता है डायग्राम. चलिए तो और बोलिए तो कल हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे. फाइन, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने के लिए, अगर एक सेकंड के लिए भी मिल जाए तो आपको फोटो दिखा दिया जाए.